माय नेम इज अंकित मिश्रा, योर गाइडर, मोटिवेटर एंड मेंटर। आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो है वो क्या है, कैसे राइज होता है, कंडीशंस कैसे कैसे राइज होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे आया, कैसे राइज हुआ, कंडीशन कैसे बनी। तो इन सब चीजों को जानने से पहले लोग बात करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन के कुछ पहलुओं पर जो मैंने लास्ट वीडियो बात की थी। क्या बात की थी उन्होंने कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हम लोग दो तरीके से कलेक्ट करते हैं। कैसे, हमने दो बताया था कि एक था प्राइवेट प्लेसमेंट और एक था हमारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो हमारा था तो पब्लिक के थ्रू जो हम लोग शेयर्स का कैपिटल रेज करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन थ्रू पब्लिक। लेकिन क्या होता है कि जब पब्लिक कंपनी से कहती है कि नहीं हमें इतने शेयर सब्सक्राइब करने हैं, मतलब ये देखिए दो कंडीशंस, दो पार्टीज हो गई। जब कंपनी कह रही है तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जब पब्लिक कहेगी तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कौन करता है, कंपनी। लेकिन जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो कौन करता है, पब्लिक। तो हम लोग अब बात करेंगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर कि पब्लिक कितने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी से कहती है कि हमें इतने शेयर सब्सक्राइब करने हैं। ठीक, तो यहां पर कंडीशंस बनेगी। तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इश्यू करती है और पब्लिक क्या करती है, शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। ठीक, तो अब यहां देखते हैं, इसी को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि हमने कहा कि कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए कितने, सपोज दैट 10,000 शेयर्स। लेकिन पब्लिक ने क्या कहा कि सर हम 12,000 शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, 12,000 शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं। फिर उसने कंडीशन रख दी कि नहीं सर हम 10,000 से कम शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो दो कंडीशंस हो गई ना कि एक 10,000 से ज्यादा शेयर्स और एक 10,000 से कम शेयर्स। तो इनको नाम क्या देते हैं, तो याद रखना कि जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए 10,000 लेकिन पब्लिक ने मांगे हैं कितने शेयर्स, 12,000 शेयर्स, किससे, कंपनी से, तो उन शेयर्स को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है कंपनी के इश्यूड शेयर से ज्यादा उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि जब पब्लिक कह देती है नहीं सर आपने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, हम लोग इतने शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, हम उससे कम शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो जहां 10,000 शेयर इश्यू किए थे वहां पब्लिक केवल 9,000 शेयर सब्सक्राइब कर रही है, इस कंडीशन को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो ये दो कंडीशंस होती हैं जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है शेयर्स, ठीक है, कंपनी के शेयर्स से ज्यादा या कम, ज्यादा शेयर्स सब्सक्राइब करेगी कंपनी के इश्यूड शेयर से, जैसे कि कंपनी ने इश्यू किए 10,000, पब्लिक मांग रही 12,000 शेयर्स, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर्स बट पब्लिक मांग रही उससे कम शेयर्स, दैट मीन 9,000 शेयर्स, से कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर हमें जो बात करनी है, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन को लेते हुए बात करते हैं हम लोग। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटा तीन कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे क्या काम होता है, कैसा चीजें काम नहीं होती हैं, तो उन सारी चीजों को बात करते हैं। तो यहां देख लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन, जो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया हमने अभी आपको कि कंपनी ने इश्यू किए थे कितने शेयर्स, 10,000, बट पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 12,000 शेयर्स। तो ये कंडीशन, जब पब्लिक कंपनी के शेयर से एक्सेस कर देती है शेयर, ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करती है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा शेयर्स जो मांगे गए हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने मांगे गए हैं, 2,000 शेयर्स, उनका क्या काम होगा, तो इन शेयर्स का जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, उस एडजस्टमेंट वाला सारा काम हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में किया जाता है।
और जो काम किया जाता है वो डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है, उन केसेस के बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं जो केस है हमारा फर्स्ट। तो पहले केस में क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है, जो भी हमारा एक्सेस मनी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो रिटर्न कर दें, पहला कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो भी हमारी एक्सेस मनी है उसको रिटर्न करने के साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग जैसे कि वन यहां पर उन्होंने टोटल 2000 शेयर्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि 2000 में 1000 शेयर्स हमने रिटर्न कर दिए और साथ में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्टेड शेयर्स। अब एडजस्ट किस में करोगे, तो एडजस्ट करे जाते हैं अलॉटमेंट में, कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स। तो टोटल 2000 हो गए। तो वही चीजें हैं, पहले हम पूरा रिटर्न कर दिया 2000 जितना एक्सेस था। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि एक 1000 शेयर्स रिटर्न कर दो और 1000 शेयर्स को एडजस्ट कर लो, चीज क्लियर हो गई। अब थर्ड कंडीशन पर कराते हैं कि इसमें रिटर्न भी करना है और साथ में एडजस्ट भी करना है। अब आप कहोगे कि एडजस्ट की बात हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहां पर जो एडजस्ट की बात होगी तो यहां पर हम लोग अलॉटमेंट में भी कुछ शेयर्स एडजस्ट करेंगे और कुछ शेयर्स कॉल्स में एडजस्ट करेंगे। अब कॉल्स में कैसा कि हम लोगों ने 1000 शेयर्स तो वापस कर दिए थे, रिटर्न कर दिए थे, लेकिन जब एडजस्ट की बात आएगी तो एडजस्ट हम लोग 500 शेयर्स इसमें एडजस्ट कर देंगे, या कह सकते हो कि 600 शेयर्स इसमें एडजस्ट कर देते हैं और 400 शेयर्स इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो ये तो एडजस्ट की बात होगी, लेकिन रिटर्न कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि शेयर्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है थ्रू बैंक ही होती है। तो हम लोग जो परचेज करते हैं या बाय करते हैं तभी थ्रू बैंक ही होता है, और जब रिटर्न करने की बात आएगी तब भी हम लोग किससे करेंगे, थ्रू बैंक ही सारा काम किया जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग इंट्रीज में शो करते हैं। क्लियर हुआ दिस चीज। अब हम लोग इसी थ्योरिकल पोर्शन को थोड़ा न्यूमेरिकल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे क्या काम होता है न्यूमेरिकल के थ्रू। क्लियर है कि जनरल एंट्रीज में कैसे उसका काम किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो यहां कह रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कही गई है आपसे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा पढ़िए जरा। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल। क्लियर हुआ इतनी चीज। फिर कह रहा है, द एप्लीकेशन वर इशूड फॉर 30,000 शेयर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स एंड अलॉटेड 50% टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स पास द नेसेसरी जनरल इंक्रीज। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में कहा गया कि एक कंपनी है जिसने इश्यू किए हैं अपने 20,000 शेयर्स, ठीक है, उसके बाद कितने रुपए के हैं, 10 रुपीज वाले हैं, जिसमें से 4 रुपए की आपकी एप्लीकेशन है, 4 रुपए का आपका अलॉटमेंट है और बाकी बैलेंसिंग 10 था। तो 4 एप्लीकेशन हो गया, 4 अलॉटमेंट हो गया, बाकी के बचे 2 रुपए वो आपकी हो जाएगी फाइनल कॉल। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है आपकी टोटल कितने की, 30,000 शेयर्स की। अब देखिएगा, 20,000 कंपनी ने इश्यू किए, पब्लिक ने मांगे 30,000, तो 10 एक्सेस हो गया। अब वो एक्सेस का काम कैसे करना है वो देखो। तो यहां पर कह रहा है कि 6,000 शेयर्स वापस कर दिए गए, तो 10,000 एक्स्ट्रा आए थे, 6,000 वापस कर दिए गए। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर अलॉटेड 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स, तो 8,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको 50% दैट मीन 4,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। क्लियर हुआ दीजिए। तो अब हम देखते हैं जनरल एंट्रीज के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या चीजें की जाती हैं। क्लियर, देखते हैं। जैसा हमने बताया कि देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन बताया था, हमने पहले बताया आपको कि कैसे क्या है चीजें। तो उसमें मैंने आपसे बताया कि एक कंपनी है, 20,000 शेयर्स हैं, सारी चीजें हैं। तो ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा और आपके जनरीज भी शो हो रही होंगी, ठीक। अब लेकिन मैंने इसको फिल नहीं किया है, जैसे ऐसा हर बार तरीके मैं फिल नहीं करता हूं ताकि समझाने के लिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे क्या चीजें फिल की जाएंगी यहां पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30,000 शेयर्स, ठीक है, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी ने कितने, वर्किंग नोट करते हैं,
सबसे पहले कंपनी ने इश्यू किए हैं 20,000 शेयर्स, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, तो पब्लिक ने कितने की एक्सेप्टेंस मांगी है, तो एप्लीकेशन कितने की सब्सक्राइब करने को कहा गया है, 30,000 शेयर्स के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि कंपनी ने इश्यू किए 20,000, पब्लिक ने मांगे 30,000, तो एक्स्ट्रा शेयर्स पब्लिक मांग रही है, तो कंडीशन कौन सी हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन कंडीशन। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दैट इज फाइनल कॉल, तो कितने कितने रुपए हैं, 4 रुपए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 4 रुपए और बैलेंस है वो आपका 2 रुपए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं 6,000 शेयर्स, एक्स्ट्रा कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स ये एक्सेस थे, जिसमें से 6,000 शेयर्स जो हैं वो कर दिए गए हैं रिजेक्ट। रिजेक्ट इन सेंस कि बैंक के थ्रू हम उन्हें वापस कर देंगे। और कह रहा है कि 8,000 के जो शेयर्स थे उसका 50%, मतलब 4,000 शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। और एडजस्ट किसमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अलॉट एट 50% ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ 8,000 शेयर्स, जब आपसे कुछ भी ना कहा जाए तो अलॉटमेंट में करना है, अगर कहा गया है तो अलॉटमेंट में तो है ही, तो एडजस्ट किसमें करेंगे, अलॉटमेंट। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो याद रखना सबसे पहले जितना पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करती है उतने शेयर से काम किया जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसी से काम करेंगे। उसके बाद पहले आपने पूरा हमको रुपए दे दिया, उसके बाद वापस करेंगे ना आपको रुपए, तो वैसे ही करते हैं। सबसे पहले 30,000 शेयर्स जो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, 30,000 शेयर्स हैं, याद रखना जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है उतने का ही अमाउंट का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 30,000 शेयर्स जो पब्लिक ने मांगे थे एप्लीकेशन 4 रुपीज के अकॉर्डिंग है, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना रुपए हो जाएगा, 1,20,000। तो इतना पब्लिक ने रुपए जमा कर दिया है किसके पास, कंपनी के पास। अब एप्लीकेशन देखो है, तो पहले एप्लीकेशन में अमाउंट लिख लेते हैं कि 1,20,000 का कंपनी के पास रुपए जमा है। अब देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल वो होता है जितना कंपनी को अमाउंट चाहिए उसका एक्चुअल। तो कंपनी को कितना चाहिए था, 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज ही एप्लीकेशन है, क्योंकि एप्लीकेशन जो अमाउंट है वही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां पर 20,000 शेयर्स जो होंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज से, तो 4 × 2 = 8, तो 80,000 का तो शेयर कैपिटल हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं कि एक 20,000 शेयर्स का काम हो गया, बचे 10,000 शेयर्स, उसमें से 6,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और 8,000 के 50% शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो याद रखना कि सबसे पहले जो अलॉट किए गए होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो वापस करने की बात कही गई होती है वो सबसे एंड में होती है, ठीक है ना, कि जो भी बच जाए वो आप वापस कर दो, लेकिन यहां बताया गया तो ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे शेयर्स अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट में कितने शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स जो एडजस्ट किए गए हैं। तो यहां पर ऐसे लिखने से अपने समझने के लिए लिख लेता हूं कि 4,000 शेयर्स एडजस्ट किए गए हैं कितने रुपीज के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन 4 रुपए है हमारी, तो 4 × 2 = 16,000 शेयर्स हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एडजस्ट करने की बात तो हो गई, एडजस्ट करने के बाद कह रहा है कि 6,000 शेयर्स वापस किए गए हैं, तो जो वापस करने की बात हम लोग करते हैं किसके नाम से, बैंक के नाम से। बैंक में कितने शेयर्स वापस किए गए हैं, 6,000 शेयर्स, तो 6 × 4 = 24,000 शेयर्स हम लोगों ने वापस कर दिए। ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा मतलब पहला केस, ठीक है। तो हमने देख रहे हो कि इसमें दोनों केस समझा दिए, सेकंड केस और फर्स्ट केस। पहला केस में क्या था कि उसमें केस वापस करने की बात कही जा रही थी, तो देख लो हमने 6,000 शेयर्स वापस कर दिए, ठीक। उसके बाद क्या था कि उसमें एडजस्ट भी करना था और वापस भी करना था,
तो देख रहे हो हमने वापस भी कर दिया है और एडजस्ट भी कर दिया है, दोनों केस क्लियर हो गए, दोनों कंडीशंस क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, ये ऐसा काम तो कर दिया, लेकिन जब अलॉटमेंट में आएंगे तो जो 16,000 वाला ये काम जो हमने किया है, जो अलॉटमेंट के नाम से हमने ऊपर एंट्री कर दी है एडजस्टमेंट बेसिस पर, उसका काम हम लोग नीचे करने आएंगे। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जब हम कहीं किराए पर रह रहे हैं और किराए पर रह रहे हैं, हमने कहा कि जनवरी का फरवरी का किराया है तो ये है 1,000 रुपीज और ये है 1,000 रुपीज। अब हमने क्या किया, 1000 तो ये है ही और साथ में हमने एडवांस यहाँ पर 500 रुपए ले लिए, एडजस्ट कर दिए हमने यहाँ पर, तो क्या करोगे, 500 देने पड़ेंगे तो यहाँ पर 500 लेस करेंगे ना हम लोग, तो वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में कितना रुपए देना है, तो 20 था, अब देखो 30,000 वाले शेयर्स का काम खत्म, यहाँ से सारा काम हो गया। अब जब अलॉटमेंट में आएंगे या फाइनल कॉल में जाएंगे तो वहां पर उतने शेयर से ही काम किया जाएगा जितना कंपनी ने मांगे थे, मतलब कि जो एक्सेस शेयर जितना पब्लिक मांगती है उतने शेयर्स का काम केवल एप्लीकेशन वाली एंट्री में किया जाता है। क्लियर हुआ, उसमें जो एडजस्टमेंट के नाम से, जो अलॉटमेंट के नाम से शो किया है या फाइनल कॉल के नाम से कोई भी चीज शो करेंगे, उसका एडजस्टमेंट हम लोग अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में शो करेंगे। लेकिन याद रखना कि जितना पब्लिक मांगती है उसका काम केवल एप्लीकेशन में किया जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज में जितना कंपनी मांग रही है, जितने कंपनी शेयर्स इश्यू किए हैं उतने से ही काम किया जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं अलॉटमेंट में 20,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 4 रुपए का, तो 20,000 4 × 80,000 रुपीज हो गया। अब अलॉटमेंट में हमको 80,000 रुपीज देना था, ड्यू का मतलब क्या होता है, कितना हमको देना है पहले बताएंगे ना, अब रिसीव कितना करना है, तो 80,000 में 16,000 हम लोगों ने दे दिया था तो कितना बच गया बताइए जल्दी, 80,000 में 16,000 हम लोग लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 64,000 रुपीज हमको नेट रिसीव्ड हो गया, दैट मीन्स कंपनी को, क्योंकि 16,000 हम लोग अलॉटमेंट के नाम से एप्लीकेशन में ले चुके थे पहले। तो अब जब अलॉटमेंट में आएंगे तो जितना रुपए लेना था कितना 80,000, उसमें 16,000 लेस कर देंगे तो बचेगा 64,000, इतना हमको अलॉटमेंट में नेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल क्या है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्योंकि हम लोगों यहाँ पर फाइनल कॉल में कोई भी नाम से एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर नाम नहीं किया ना तो यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं फाइनल कॉल में, तो फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 40,000 की, इतना लेना है और उतना ही अमाउंट हमको रिसीव्ड हो जाएगा। अब याद रखिएगा फर्स्ट केस सेकंड केस हमारा क्लियर हो गया है, यहाँ पर कौन सा केस हमारा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड केस क्लियर हो गया है जिसमें हम लोगों ने किसकी बात करी है, एडजस्ट की बात करी है और बैंक की बात करी, दैट मीन रिटर्न करने की बात करी है। हम लोग जब अभी थर्ड केस से बात करेंगे, दैट मीन नेक्स्ट वीडियो में जब लोग थर्ड केस की बात करेंगे तब उसमें ये बात करेंगे कि उसमें यहाँ पर अलॉटमेंट बैंक के साथ साथ कॉल का नाम भी आ जाएगा। मैं बताया था थर्ड केस में कि रिटर्न के साथ साथ कॉल का नाम अलॉटमेंट का नाम भी है, तो अब जब यहाँ पे अलॉटमेंट जब कॉल का नाम आएगा तो यहाँ पर भी हमको एडजस्टमेंट करना होगा जो हमारा थर्ड केस में काम आएगा। क्लियर हुआ इतनी चीज, समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप मैं कमेंट बॉक्स पर सेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमको फीडबैक मिलता रहे और हम और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस अच्छे से अच्छी और सिंपलेस्ट तरीके से बना सकें। थैंक यू।